सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का आम आदमी पार्टी के ऑफिस में स्वागत करता हूं। और आज जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की जो नीतियां हैं उनसे प्रभावित होकर देश के विभिन्न हिस्सों से आम आदमी पार्टी के साथ बहुत सारे पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल लोग जुड़ रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे मेंढर से जो काफ़ी साथी यहां पर ज्वाइन किए हैं उनमें जो सिकंदर आजम जी जो कि रिटायर्ड सेशन जज रहे हैं वो आम आदमी पार्टी के परिवार का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो मैं उनका आम आदमी पार्टी परिवार में स्वागत करता हूँ। उनके साथ बहुत सारे उनके साथी मोहम्मद आलम जी, मोहम्मद हनीफ जी, अकबरदीन जी, नियाज अहमद जी, शौकत अहमद जी, तनवीर हुसैन जी, जाहूर हुसैन जी, तनवर हुसैन जी, एलडी भगत जी, अमन महाजन जी। और इसी के साथ साथ आज हमारे डिप्टी डायरेक्टर भगत साहब वो भी आज आम आदमी पार्टी का परिवार का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो मैं उनका भी आम आदमी पार्टी के परिवार में स्वागत करता हूँ। और काफ़ी लंबे समय से जो यहाँ पर आपके मीडिया से ही साथी रहे हैं, प्रिंट मीडिया के साथी हमारे राजीव महाजन जी, वो भी अपने साथियों के साथ आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं उनका भी आम आदमी पार्टी के परिवार में स्वागत करता हूँ। देख सकते हैं कि लोग हमारे साथ पॉलिटिकल लोग ही नहीं, अलग अलग जो विचारधारा से हैं, अलग अलग जैसे सोशल एक्टिविस्ट हैं और रिटायर्ड जज के रूप में आप अगर इन्होंने सेवाएं दी हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर जो आम आदमी पार्टी का परिवार है वो इन विचारधाराओं के साथ जुड़ रहा है। तो मैं निश्चित रूप से आने वाले समय में यही कहूँगा कि आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से लोग जुड़ रहे हैं, 90 में से 88 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में।